नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बुलेरो गाड़ी की एक और नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुलेरो गाड़ी में डोर वाइजर कैसे इंस्टॉल करें और ये इतने ज़रूरी क्यों है बरसात में, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में पूरा लास्ट एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए इनको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें डबल साइडेड टैप लगा हुआ आता है दोस्तों, इनको आपको निकालना है और जो हमारा गेट है उसकी बॉर्डर से इसको मैच करके लगाना है। आप यहां देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये मैच करना है और यहां पर बहुत आसानी से ये हमारी गाड़ी में लग जाएगा। बाकी आप यहां पर थोड़ा कपड़े की मदद से इसको प्रेस भी कर दें कुछ इस तरीके से, ताकि ये और भी अच्छे से हमारी गाड़ी में चिपक जाए। बाकी दोस्तों, ये हमारे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बरसात में हमारे फ्रंट ग्लास पर बहुत ज़्यादा भाप जमने लगती है, क्योंकि हम अपने कांच खोलकर नहीं चला पाते हैं खिड़की के। तो ये डोर वाइजर लगने के बाद हम अपनी खिड़की के 3-3 इंच कांच को नीचा करके गाड़ी चला सकते हैं, जिससे हमारे फ्रंट ग्लास पर भी भाप नहीं जमेगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बरसात के लिए दोस्तों, तो अपनी गाड़ी में ये ज़रूर डलवाएँ। बाकी आप देख भी सकते हैं, ये मैंने दूसरे नंबर का डोर वाइजर भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर तीसरे नंबर का डोर वाइजर भी मैं लगा दूंगा। ये टैप को आपको निकालना रहता है और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। तो इस तरीके से आप घर पर भी अपनी गाड़ी में, कोई भी गाड़ी में आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं और बरसात के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। मैं अक्सर गाड़ी से मिलती जुलती वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, डोर वाइजर लगने के बाद कुछ इस तरीके का लुक निकल के आया है इस बुलेरो गाड़ी में। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए।